सब कुछ लटका हुआ है भाई, सैनिटाइजर, छाता, चाबी। बहुत दिनों के बाद भाई लॉकडाउन खुल चुका है। वैसे बहुत दिनों के बाद लगता है ऐसे जैसे गाड़ी चलाना भूल गया हूँ। इंसान भूलता नहीं है, ड्राइविंग नहीं भूलता, स्विमिंग नहीं भूलता, रनिंग नहीं भूलता, चलना नहीं भूलता, जिंदगी भर नहीं भूलता है। नाम भूल जाता है, पते भूल जाता है, एमनेशिया नहीं हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंसान भूलता नहीं है। दुश्मनी भी भूलता नहीं है, दोस्ती भी नहीं भूलता। इंटरेस्टिंग। लेकिन मास्क पहनना भूल जाता है इंसान। क्यों भाई भूलता नहीं है? मतलब पता नहीं, अभी भी देखो काफ़ी लोग यस सब पहने हुए, सब पहने हुए हैं। अनलॉक हो चुका है भाई, अनलॉक हुआ आज कौन से, बहुत दिन हो गए, तो देखना पड़ेगा शहर का। मैं तो बहुत दिन से बाहर निकला नहीं, आज आलम क्या है ये देखना पड़ेगा। व्हाट इज द आलम ऑफ द सिटी आउटसाइड। अरे वाह, यहाँ कुछ नया बन रहा है। वीआईपी जा रहे हैं भाई, सम वीआईपी इज गोइंग। इनको जाने दिया जाए ना, बड़े आदमी है सब। एम्बुलेंस गुजर जाएगी तब जाऊंगा। नहीं नहीं, एम्बुलेंस है ही नहीं, थोड़े छोटे वीआईपी होंगे शायद। तो वो सिग्नल की आवाज़ें मुझे लगा वो है एम्बुलेंस है, लेकिन वीआईपी निकले। एम्बुलेंस और वीआईपी का साउंड ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, थोड़ा चेंज कर देना चाहिए क्या, या अलग रहता होगा मुझे नहीं पता, व्हाटएवर। सो फ्रेंड्स, होप यू आर कीपिंग वेल, ऑल गुड। एंड बहुत दिन के बाद मैं आज निकला हूँ, एंड ना द लॉकडाउन हैज़ कम टू एन एंड, एंड अभी पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। और अभी देख रहा हूँ मैं कौन क्या क्या है, पीपल आर वेयरिंग डबल मास्क। यहाँ पे तो ये कुछ दुपट्टा वपट्टा लेके, पीछे एक इंसान हेलमेट में ही अपना सर घुसा के, नो मास्क। यहाँ पे भी है इन्होंने, वो चुन्नी बांध रखी है। तो डिफरेंट पीपल, सबका अलग अलग, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति भाई है। तो ये है नजारा आउटसाइड, नजारा आउटसाइड इज थोड़ा डिफरेंट टाइप का, थोड़ी थोड़ी बदली है यहाँ पे, एंड इट इज लाइक रेन्ड इन द नाइट। और हाँ, एक बात बतानी थी, आई विल टेल यू। नागपुर हैज़ बीन गिवन ऑन ऑरेंज अलर्ट फ्रॉम 11 to 14, चार दिन के लिए। और उसका जो हेल्पलाइन नंबर है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, अभी आई डिस्प्ले, सो दैट इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी, कुछ अगर आपको जरूरत पड़े, इमरजेंसी हो, कुछ हो, पेड़ गिरा हो, या वो जो भी है डिजास्टर, तो उस टाइप का कुछ हो, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट दीज पीपल। आज सुबह ही मैंने देखा, आई वॉज नॉट नोइंग कि ऑरेंज में है, बट मुझे समबडी टोल्ड दैट आई चेक। तो चार दिन का अपना ऑरेंज अलर्ट है नागपुर में, और यूजुअली दोपहर के बाद में बोलते हैं, दोपहर के बाद 2 बजे के बाद से 2 से 6 कुछ ऐसा, देर माइंड भी सब मूसलाधार बारिश वारिश तूफान उफान जो भी है। सो दैट्स हाउ इट इज। सो लेट अस हैव अ लुक एट आउटसाइड, हाउ मेनी पीपल आर देयर आउटसाइड। कितने लोग हैं बाहर,
जाम जैसे लगा है, इतना तो नॉर्मल ट्रैफिक में नहीं लगता था, ये क्या हो गया? हाँ, अनलॉक होने के बाद लगता है लोग सब धड़ल्ले से निकले, सब कुछ अपनी गाड़ी छाड़ी लेके। कोई बड़ी सी दुकान में जाते हो है ना, ये सोच के कि आपको जो चाहिए वो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन सामने वाला बोलता नहीं है, आप उससे पूछते हो भी कहाँ मिलेगा, पता नहीं। अरे यार बहुत बुरा लगता है नहीं ना, हर चीज़ हर जगह पे नहीं मिलती है ना। Amazon is the I think one of the best place where you can get many things and you can actually see it also। कई बार वहाँ पर थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिलता है। लॉकडाउन में ये भी ठीक है कि यू आर नॉट विजिटिंग एनी प्लेस, आपके घर पे आ रहा है उसको सैनिटाइज करो और उठा लो सामान दैट वे। इस साल मुझे लगता है सैनिटाइजर पे मैंने इतने पैसे बर्बाद किए हैं जितना मैंने खाने पे नहीं किया। तो जो भी है बर्बाद नहीं, मतलब अब ज़िंदगी बचाने के लिए इट्स कंपलसरी है ना, आपने भी किए ही होंगे। आई यूज़ टू मेक माई ओन सैनिटाइजर्स एज पर WHO फार्मूलेशन, कॉस्ट उतना ही पड़ता है, मार्केट कर लो अपना लो, खुद का बनाओ। पर खुद का बनाने में ना इधर तो दिल की तसल्ली की नहीं, इसमें सब कुछ सही सही डला हुआ टाइप्स, मार्केट में थोड़ी बहुत आई डोंट नो कैसे रहता होगा। मुझे वो सेंट वाले नहीं पसंद, क्योंकि आई रेड समवेयर कि यू नो सेंट शुड नॉट बी देयर बिकॉज इट मे रिएक्ट विद द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, में कुछ ऐसा हो सकता है कि इट माइट डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सैनिटाइजर। तो सेंट अच्छा लगता होगा नो डाउट, बट आई यूज ऑलवेज माई सैनिटाइजर यूल फाइन। मैं आपको स्मेल नहीं करा सकता ऑन वीडियो, अदरवाइज स्मेल करा देता। दे आर ऑल विदाउट स्मेल, आई मीन ओनली अल्कोहल स्मेल इज देयर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर केमिकल्स विच आर नीडेड इन द प्रॉपर राइट प्रोपोर्शन, क्योंकि उसमें अगर वो अल्कोहल परसेंटेज कम है तो देन इट विल नॉट एक्ट एज अ सैनिटाइजर। तो वही सब बहुत सारी बातें जो भी है अलॉन्ग विद दैट सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड ऑल दैट। तो आप तो देख ही रहे होंगे इतने दिनों से यही सब तो कर रहा हूँ मैं। I have taken adequate precautions, my dear friends, regarding COVID. And by God's grace, अभी तक हुआ नहीं, मैं चाहता है भी नहीं हो, और जिसको हुआ है वो भी ठीक हो चुके हैं। सम पीपल हैव एक्सपायर्ड ऑन द वे, कुछ लोग यू नो अपने नियर एंड डियर वंस, कुछ कुलीग्स, एंड दुख होता है लेकिन क्या करें, ज़माना ही कुछ ऐसा चल रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी आई डोंट नो वेदर द थर्ड वेव विल कम इन कम और नॉट, बोल तो रहे हैं भाई थर्ड वेव देखते भी क्या, वॉट एवर। अभी तो फिलहाल केसेस हैव रिड्यूस्ड एंड दैट इज़ वाई एवरीथिंग हैज़ बीन ओपनड अप, बट इसका वही गलत असर नहीं होना चाहिए कि ओपन हो गया तो लोग तो अभी मस्ती मारे चलो बोले चलो मैं कहीं ऊपर चलने का ना हो जाए सबब। इसलिए वन हैज़ टू बी केयरफुल 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 वेरी वेरी केयरफुल, क्या बोलते हैं, दवाई भी कड़ाई भी वैक्सीन भी ढिलाई नहीं जो भी है। So let's hope so you all are keeping good health and doing well. Doing क्या, कुछ करना ही नहीं है अभी लॉकडाउन में, हाउस हो ऑनलाइन जो भी करते हो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी लेकिन लॉकडाउन में ना, बिकॉज ऑफ दी धंधा नहीं चलता तो फिर मंदी आ जाती है। तो वट एवर, नो बडी हैज़ एवर थॉट कि ऐसे दुनिया में ऐसा कुछ होने लगेगा ना। एंड तो दिस इज़ द राइट टाइम टू यू नो गो आफ्टर योर हॉबीज़, आपको जो भी अच्छा लगता हो। मैंने बहुत लोगों को देखा, कुछ लोग खाना बना रहे हैं और डाल भी रहे हैं, स्टेटस डलता है खाना बना रहे हैं भैया आज पकौड़े डल रहे हैं, कुछ लोग गार्डनिंग के डालते हैं, कुछ लोग अपने वही शायरी शेर जो भी है, कुछ लोग रोमांटिक में है ना, बैचलर्स लोग ज़्यादा रोमांटिसिज्म वाला डालते हैं एक दूसरे के लिए टाइप, और ऐसे कुछ ना कुछ मतलब एवरीबडी सो यू नो काइंड ऑफ हैज़ स्टार्टेड लुकिंग इनसाइड। वो जो बोलते हैं ना अंतर्मन की साधना करो, अपने अंदर देखो, तो लॉकडाउन इज़ द बेस्ट प्लेस टू मेडिटेट। लोगों ने अपने अंदर देखना चालू कर दिया, बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, वही वही घर, तो इंसान फिर अपने अंदर देखने लगता है। इट इज़ काइंड ऑफ ए ही बिकम्स ए हर्मिट, ऐसा साधु संत हो जाता है, सभी कोई संत बन गए होंगे।
तो फिर वो अपने अंदर उसको समझ में आता, अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं तो खाना भी बना सकता हूँ, चलो भी बना लो, मैं तो गाना गा सकता हूँ तो गा लो, मैं कुछ और कर सकता हूँ, हंसा सकता हूँ तो कॉमेडी करने लगे आजकल लोग, और अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग। बचपन से लेके आज तक इंसान अपना बचपना भूल चुका था, हॉबी भूल चुका था, लेकिन अभी सबको अपनी अपनी वो याद आ गई है, वो मतलब हॉबीज़ याद आ गई है, और अच्छा है, अच्छा है, इट इज़ गुड। तो इंसान जब फ्रस्ट्रेट होने लगता है ना, कुछ अजीब गरीब हरकतें करने लगता है, बट वो अल्टीमेटली इट बिकम्स अ प्लेजर फॉर एवरीबॉडी, है ना। मैंने भी कुछ गाने शाने गाए, आपने देखा, पहले तो आई यूज़ टू ट्रैवल, बट अभी ट्रैवलिंग अभी सब बंद, तो वही घर में बैठ के क्या करें, गाना गा लो। इन बिटवीन आई वॉज बिजी ऑल्सो, यू नो, आई टेल यू वॉट आई वॉज डूइंग, मैं दिखाऊंगा आपको, आई शो यू माई वीडियोज ऑल्सो वॉट आई वॉज डूइंग, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, आई पुट माई लिंक्स, वो लिंक भी मैं आपको दे दूँगा कि वॉट आई वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, फ्रूटफुली किया है ना, द थिंग वॉज, मेरे हिसाब से तो मार्वेलस है, मुझे हेल्प भी कर रहा है वो, जो भी मैंने किया मतलब, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा वॉट एक्चुअली आई वॉज डूइंग ड्यूरिंग दिस, सो मेनी टाइम्स वी वेयर अवे, नो अपनी बात नहीं है। तो वैसे अभी तो मौसम ही बदल चुका है, बारिश बारिश आ गई, जो खत्म, मौसम तो बदलते जाएंगे, बट वी हैव टू सर्वाइव, सर्वाइव तो फिर मौसम बहुत सारे देखने मिलेंगे, सर्दी गर्मी नफा नुकसान नफा तो का जो भी बोलते हैं ना। सो आई एम क्यूरियस अबाउट यू व्हाट पीपल वेर डूइंग इन ड्यूरिंग लॉकडाउन, यू नो, इफ यू कमेंट बिलो, यू कैन टेल मी, आई वुड लाइक टू नो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, वेदर यू आर कुकिंग, वेदर यू आर डांसिंग, वेदर यू आर रोमिंग, वेदर रोमिंग तो होता नहीं, व्हाट एक्जैक्टली यू आर डूइंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, बेस्टिंग, बेस्ट नहीं मतलब लोग करते हैं, दे थिंक स्लीप इज द बेस्ट, यू हैव बीन स्लीपिंग, इवन आई कुड स्लीप, वैसे मैं जगह भी बहुत रहता था। आप लोग क्या कर रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, व्हाट ऑल यू डिड, कोई टेंशन में भी मतलब तकलीफ में होगा, ऐसा भी है, मेनी पीपल वेयर अंडर टेंशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा फ्यूचर किसी को नहीं पता, कि कल क्या होगा किसको होगा, तो मैंने भी सोचा, मैं बोला यार जो भी है जी लो यार, कुछ दिन यू नेवर नो कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, तो उस वक्त फिर क्या वॉट वॉट नेक्स्ट मतलब, है ना, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, एंड वही है कि सावधानी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए वी हैव टू टाइड ओवर दिस फेज। मैं हर बार जाके ना वहीं टिक जाता हूँ, आई स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट ये कोरोना एपिसोड होनी, थोड़ा बाहर की भी दुनिया देखो, देखो देखो यार कितनी गाड़ी है, देखो 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 देखो, लग रहा है क्या लॉकडाउन है, आई मीन लॉकडाउन तो है नहीं, सॉरी, लग रहा है कि अनलॉक हुआ है, हाँ मुझे तो लग रहा है, वो पहले जैसी गाड़ियाँ खड़ी है अभी, सेम वही बारिश, सेम वही लोग, सेम 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 सेम, वैसे दुनिया फिर से पटरी पे वापस जैसे कि आ रही हो, होपफुली सो, तो ऐसे है, धीमी धीमी बारिश हुई है, धीमी धीमी, हौले हौले से, हौले हौले वाली बारिश हुई है, एंड गाड़ी के पास है, इसीलिए है कि आप उनको भाई घर पे रहने का, वहाँ घर पे से कहीं जाने का नहीं, 2 बजे के बाद घर में घुस जाने का और घर पे रहने का, घर पे इच रहने का, अब उनको घर पे इच रहने का, कहीं निकलने का इच नहीं। ये ट्रैफिक पुलिस बड़ा मज़ेदार लग रहा है मुझे, मस्त है उनकी पिंक वाली छतरी है, देखो देखो पिंक वाली छतरी है, पिंक वाली छतरी है, सर जी अपनी बेटी का छाता उठा लाए हैं, उनको पिंक कलर पसंद हो, कुछ भी हो सकता है, सो दैट्स हाउ इट इज।
मस्त मस्त जामुन छतरी घुमाई के जामुन अच्छी चिड़ियाएं खेल रही है देखो अभी आदमी गायब तो चिड़ियों को बोलबाला मस्त खेल रहे हैं अराउंड कितने बजे अभी 4:30 बज चुके हैं और रास्ते पे धूप आ चुकी है नो मोर क्लाउडी नाउ तो 11 बजे के आसपास जो बारिश थी अभी बारिश का मौसम जा चुका है नाउ इट इज ऑल सनी तो ये लगा है भाई क्या बोलते हैं यहाँ पे सुदामा थिएटर है लेकिन उसका वो बोर्ड पूरा खाली है कौन सी पिक्चर अभी पिक्चर लगी नहीं है मैं बोल नहीं रहा हूँ कि पिक्चर देखने जाना है असल है दुकानें खुली लग रही है पहले जैसा लग रहा है एवरीथिंग इज जस्ट लाइक बिफोर बट ओनली थिंग पीपल आर वेयरिंग मास्क ऑन देयर हाँ ये है लक्ष्मी भवन स्क्वायर सो दिस इज व्हाट इज लक्ष्मी भवन स्क्वायर ऑफ नागपुर यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे विडॉम करके हैं मिल्टन है यहाँ पे कुछ शॉप है अरे अलग अलग यहाँ पे पतंजलि स्टोर है रामदेव बाबा जी का दिव्य पतंजलि यहाँ पे एक नंद भंडार वाह यहाँ वो बहुत अच्छा मिलता है यार वो क्या रूम भी लगी देखो मेरे पीछे जो शॉप गई ना दिखा नहीं पाया मैं अभी दिखाऊंगा दैट इज नंद भंडार और वहाँ पे एक वाइट कलर का ढोकला मिलता है वेरी टेस्टी दैट इज उसमें ऐसे गोल गोल वो क्या बोलते हैं राई के दाने थोड़ा सा वो ऑयलिश इफेक्ट सोच के कैसा लग रहा है और खमन ढोकला टाइप वॉट एवर तो एक तो येलो वाला मैं उतना नहीं आई प्रेफर दैट वाइट वाला इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंड ऑफ इडली एंड वो अपना क्या बोलते हैं इडली और ढोकला के बीच का है कुछ एंड इट्स वेरी टेस्टी आई टेल यू और वहाँ तीन टाइप की चटनियाँ रखी होती है दही वाली मुँह में पानी आ रहा है एक दही वाली एक वो सॉस टाइप कुछ और एक कुछ मतलब ऐसे तीन हरी मिर्च वाली वो तो खैर हर जगह रहता है तो वही है कि इस तरह का वो जो है मस्त है वो लेकिन अभी मैं बाहर खा नहीं रहा हूँ पी भी नहीं रहा हूँ आई कीप माई मास्क ऑन काफ़ी लोगों को पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स वाले अभी बंद है ज्वेलर्स की दुकान बंद जो ताले लगे क्यों नहीं पता है अभी तो ज्वेलरी वाली खरीद नहीं रहे सोने का भाव कैसे चल रहा है हमें क्या कम हुआ है बड़ा है क्या हुआ जो भी है तो अरे ये है एंड सेम वैसे ही जाम लग रहा है देखिए जैसा पहले था ट्रैफिक वैसा ही है ये है हल्दीराम भजिया वाला ऑन लेफ्ट हैंड साइड ये बड़ी जो बिल्डिंग है ना हल्दीराम बिल्डिंग तो ये आगे आपका शंकर नगर स्क्वायर है ना अभी पहुँच गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। नागपुर में ये म्यूजिक बजता है, आई थिंक बहुत जगह पे बजता है ऑल ओवर महाराष्ट्र। यह बलून वाले अंकल घूम रहे हैं, लवली वाले हार्ट वाले बलून दे रहे हैं। जस्ट सी हाउ नाइस इट लुक्स ना, बच्चे खुश हो गए होंगे जैसे लॉकडाउन खुला हो बच्चे खुश। ये देखो अंकल वो साइड में दिख रहे हैं, कैन यू सी दिस, ही सेलिंग ऑल बलून। मुझे बहुत इच्छा होती है सब लेने में, लेकिन अभी क्या होगा। तो जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, दिस इज द मेट्रो ब्रिज। तो यहाँ से मेट्रो पास होती है, एक मेट्रो के दो कॉरिडोर्स हैं, है ना। मेट्रो का एक कॉरिडोर जाता है फ्रॉम मिहान टू, ऐसे जाता है एक उधर से मिहान टू इधर, और एक दूसरा ऐसे जाता है बर्डी टू हिंगना रोड ऐसे जाता है। तो ये इधर वाला है, ये सेकेंड कॉरिडोर, मतलब दो कॉरिडोर से एक ऐसे जाता है ये ऐसे, तो अलग अलग। बिकॉज देर इज़ एन MIDC ऑन द हिंगना साइड, तो वहाँ के लोग पहुँचाने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। तो ऐसे है ये होटल। आज बाहर निकल के ना मैं बाहर की दुनिया देख रहा हूँ, ऐसा लगता फिर से पैदा हो गया हूँ। जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता होगा ना, और सडनली उसकी ऐसे आँखें खुलती होगी तो उसको दिखता होगा बाहर बाहर, अरे दुनिया है। मैंने आज बहुत दिनों के बाद दुनिया देखी है, बहुत दिनों के बाद इसलिए देखी है क्योंकि लॉकडाउन में पड़ा हुआ था मैं, तो आज थोड़ा सा अनलॉक हुआ हूँ। वैसे मैं बिना काम के निकलता नहीं हूँ, आज भी काम था इसलिए गया था। आप भी मत निकलिए, क्या ज़रूरत, अभी कोरोना गया नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। तो जो भी हो, सो ऐसा है। ये क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लैक फंगस, लेट्स फाइट म्यूकोरमाइकोसिस। कैसे भाई, कोई हॉस्पिटल का है? हाँ हाँ, बस हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट है। ब्रेन आँख दिमाग दांत कुछ कुछ दिखा है, नाक। तो ऐसा है, जो भी हो ऐसा ना हो गया। चलो भैया आगे चलो, कहीं चलो तो हम कैसे चलेंगे यार, तो चलना है ना, जीवन चलने का नाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह सवे। झोमैटो झोमैटो भैया झोमैटो, साइकिल में झोमैटो है, पहली बार देखा है साइकिल में झोमैटो कब से आ गया। तो शायद झोमैटो पर टी शर्ट पहन के घूम रहा होगा, झोमैटो ही तो लिखा था उसने। बस यार अभी बजे हैं 4:30, लंच का टाइम तो ख़त्म हो गया, और घर जाके अभी एक घंटा नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, सो अलग सब कुछ धुलता है ना भाई, और ऊपर से ये सब चीज़ें सैनिटाइज होती है, जो भी आपका भाई कर लेना। दुनिया भर की चाबियाँ हैं वो फलाना दिखाना पैसे वैसे, सो ऐसा है। सो आई विल शो यू द इंस्ट्रूमेंट विच आई हैव मेड टू सैनिटाइज ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। मैं उसी में थोड़ा बिजी था जो मैं बोल रहा था। अरे दाढ़ी यार अंकल की, व्हाट इज दाढ़ी माय गॉड, आजकल दाढ़ी बढ़ाने का शौक हो गया सबको, हो रहा है दाढ़ी का शौक, दाढ़ी का शौक। ट्रैफिक शुरू है भैया,